इसराइल हमास के बीच चल रहा युद्ध खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। जमीन पर लगातार आसमान से बम गिराए जा रहे हैं। हमास के खिलाफ इसराइल के हमलों से गाजा में हर तरफ तबाही मची हुई है। सैकड़ों लोग मारे गए, हजारों लोग घायल हो गए और हजारों लोग घर छोड़ने पर मजबूर है। हमास के हमले में भी इसराइल के सैकड़ों लोगों की जान चली गई। कई लोगों को घर में ही बंदूकों से छलनी कर दिया तो किसी को सड़क पर बेरहमी से मार दिया गया। इजरायली डिफेंस फोर्स IDF ने बताया कि इजरायल के 120 से अधिक नागरिक अभी भी हमास के कब्जे में हैं। इन सबके बीच युद्ध से जुड़े नियम कानूनों पर भी चर्चा चल रही है। कहा जा रहा है कि जंग में सब कुछ जायज नहीं है, बंधक बनाए गए लोगों के लिए भी कुछ अधिकार होते हैं। इसी बीच जेनेवा कन्वेंशन की बात उठाई जा रही है। अब आप सोच रहे होंगे कि जेनेवा कन्वेंशन क्या होता है। चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं क्या है जेनेवा कन्वेंशन। स्विट्जरलैंड में एक शहर है जेनेवा। स्विट्जरलैंड में ही जेनेवा शहर की संधि हुई थी। जेनेवा कन्वेंशन में युद्ध के दौरान गिरफ्तार सैनिकों के अधिकारों की रक्षा से संबंधित नियम बनाए गए। इसमें बताया गया कि बंधक बनाए गए सैनिकों और घायलों के साथ कैसे बर्ताव करना है। इसमें साफ तौर पर बताया गया कि युद्ध बंदियों के क्या अधिकार है। जेनेवा कन्वेंशन में कुल 4 समझौते हुए। 4 समझौतों की पूरी सीरीज का नाम है जेनेवा कन्वेंशन। समझौतों के बारे में बताने से पहले आपको बताते हैं कि जेनेवा कन्वेंशन की शुरुआत कैसे हुई। दुनिया भर में जहां भी युद्ध होता है वहां एक संस्था का नाम जरूर सामने आता है। वो संस्था है रेड क्रॉस। ये संस्था युद्धग्रस्त क्षेत्रों में मानवीय सहायता पहुंचाने का काम करती है। रेड क्रॉस को बनाने वाले शख्स थे हेनरी ड्यूनट। वो जेनेवा में रहते थे, पेशे से व्यापारी थे। 14 जून 1859 को हेनरी इटली के सैलिफोर्निया पहुंचे। उस वक्त वहां जंग चल रही थी जिसमें करीब 4000 लोग मारे गए थे और 36000 से ज्यादा लोग घायल हुए। हेनरी घायल लोगों और सैनिकों से मिले। ये सब हेनरी के लिए परेशान करने वाला था। वहां से लौटकर उन्होंने एक किताब लिखी जिसका नाम था अ मेमोरी ऑफ सैलिफोर्निया। इस किताब का असर ऐसा था जिससे इंटरनेशनल कमिटी ऑफ द रोड क्रॉस बनने की राह खुली और धीरे धीरे इस दौरान जेनेवा कन्वेंशन की शुरुआत हुई। अब बात करते हैं जेनेवा के 4 समझौतों के बारे में। जेनेवा में पहला समझौता अक्टूबर 1863 में हुआ। हेनरी के अनुरोध पर इसमें 16 देश आए। 12 देशों ने एक समझौते पर दस्तखत किए। इसमें युद्ध में घायल हुए सैनिकों से जुड़े नियम बनाए गए, यानी युद्ध के नियमों की कड़ी इस कन्वेंशन के साथ शुरू हो गई। साल 1864 में इसे लागू कर दिया गया। उसके बाद दूसरी बैठक हुई 1906 में। स्विट्जरलैंड की सरकार ने 35 देशों को अपने यहाँ आमंत्रित किया। इसमें जमीन के अलावा समुद्री लड़ाई से जुड़े नियमों पर भी सहमति बनी। तीसरा कन्वेंशन पहले विश्व युद्ध के बाद हुआ। पहले विश्व युद्ध में ये साफ हो गया था कि जेनेवा कन्वेंशन के नियमों का पालन नहीं हो रहा है। सैनिकों के साथ अमानवीय व्यवहार की कई घटनाएं सामने आई, इसलिए इस कन्वेंशन में युद्ध बंदियों यानी दुश्मन देश द्वारा पकड़े गए सैनिकों के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए, उनके अधिकार क्या है, इन सब पर नियम बनाए गए। फिर चौथा जेनेवा कन्वेंशन 1949 में हुआ। पूरी दुनिया ने विश्व युद्ध के दौरान की गई बर्बरता देखी थी। इस बार 194 देशों ने एक साथ मिलकर युद्ध बंदियों के नियम तय किए। इसी कन्वेंशन में युद्ध के दौरान आम नागरिकों के क्या हक होंगे, क्या अधिकार होंगे, उन सब पर सहमति बनी। ये था जेनेवा कन्वेंशन और जेनेवा कन्वेंशन के समझौते जो 1949 में लागू हुए। जेनेवा समझौता मुख्य रूप से युद्ध बंदियों के मानव अधिकारों को बनाए रखने के लिए बनाया था, ताकि युद्ध के दौरान शत्रु देश द्वारा बंदी बनाए गए सैनिकों के साथ मानवीय व्यवहार किया जाए। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए द नगरी न्यूज़। मैं सिद्दीका मनोहर सोनी आपके साथ। शुक्रिया।